रस के संबंध देखिए कि रस क्या है, पहले आप समझिए कि रस के संबंध में जो रस है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है आपका आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। ध्यान देखिए, रस का जो शाब्दिक अर्थ आनंद है, और रस का जब सबसे पहली बार रस शब्द का उल्लेख अगर सबसे पहली बार किया गया था, यह किया गया था अथर्ववेद में। किस वेद में किया गया था? अथर्ववेद में। आप देखिएगा सुबह से लेकर के शाम तक जो भी कार्य करते हैं सभी कार्यों के पीछे क्या होता है? रस होता है। क्या होता है? रस होता है। सभी कार्यों के पीछे आपका रस जुड़ा होता है। जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो इसमें भी रस है। रस क्या है? रस ये है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, आगामी परीक्षाओं में सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन जब हो जाएगा, हमारा बीएड में हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, फिर एक रस दूसरे रस के साथ जुड़ा हुआ है। बीएड में सिलेक्शन हो जाएगा, हम आगे चल करके अध्यापक बन जाएंगे, फिर अध्यापक बन जाएंगे, अच्छे से शादी विवाह होगा, या विवाह हुआ है तो अच्छे से परिवार चलेगा। तो निश्चित रूप से हर कार्य मेरे भी पीछे रस जुड़ा हुआ है, मेरे भी पीछे रस जुड़ा है। मुझे द्रव्य की जरूरत है, मुझे पैसे की जरूरत है, जो मैं दौड़ करके यहाँ, हर कार्य के पीछे है, क्या होता है? रस होता है। सबके पीछे रस होता है, हर कार्य के पीछे रस होता है। कन्फर्म होगा? ये है ये आपका रस। जो भी कार्य करेंगे सुबह से लेकर के शाम तक जो भी कार्य करते हैं सभी कार्यों के संबंध में हमारा क्या जुड़ा रहता है? रस जुड़ा रहता है। कन्फर्म होगा? तो रस का जो शाब्दिक मीनिंग होता है, रस का शाब्दिक मीनिंग होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। अगर आपके सबके रस नहीं होता, रस अगर नहीं होता तो आप निश्चित रूप से यहाँ नहीं आते। रस है जितना सुबह सुबह भाग करके दौड़ के यहाँ आ रहे हैं। अगर रस नहीं होता तो आप लोग यहाँ नहीं दिखाई पड़ते। रस नहीं होता, मैं यहाँ नहीं दिखाई पड़ता। तो सबके पीछे क्या है, किसका हाथ होता है? रस का। रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। क्या होता है? आनंद होता है। रस का जब सबसे पहली बार उल्लेख किया गया था, रस शब्द का उल्लेख किया गया था, तो वह किस वेद में किया गया था? अथर्ववेद में पाया जाता है रस शब्द का पहली बार उल्लेख। और ध्यान रखिएगा, रस के जो जनक हैं या प्रवर्तक, रस के जो प्रवर्तक हैं इनका नाम है भरत मुनि। भरत मुनि रस संप्रदाय के जनक। रस संप्रदाय के जनक कौन है? भरत मुनि। ध्यान रखिएगा, भरत मुनि का एक ग्रंथ है, भरत मुनि का एक ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है क्या है? नाट्य शास्त्र। इसे ध्यान रखिएगा, भरत मुनि का ग्रंथ क्या है? नाट्य शास्त्र है। और भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में सबसे पहले रस का उल्लेख किया था। ये भरत मुनि का ग्रंथ नाट्य शास्त्र, और भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में सबसे पहली बार रस का उल्लेख किए थे। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि रस का उल्लेख सबसे पहले किसने किया है। तो रस का सबसे पहली बार उल्लेख किसने किया है? रस का सबसे पहली बार उल्लेख अगर करने वाले हैं तो हैं भरत मुनि। भरत मुनि का जो ग्रंथ था, उनका ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, जो रस से संबंधित है। इसी में सबसे पहले भरत मुनि, इनके जीएस का भी है, ये जीएस में भी आता है प्रश्न, भी ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा नाट्यशास्त्र किसकी रचना है, किसका ग्रंथ है? तो नाट्यशास्त्र जो रचना जो ग्रंथ है, वह रचना ग्रंथ किसका है? भरत मुनि का है। कन्फर्म हुआ? तो भरत मुनि का जो ग्रंथ है उसका नाम नाट्यशास्त्र, और नाट्यशास्त्र में भरत मुनि सबसे पहले जो है रस शब्द का उल्लेख, रस का उल्लेख किए। देखिए, भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है इसमें इन्होंने एक सूत्र दिया था। इन्होंने कहा कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र संयोगाद्र रस निष्पत्ति, ये बात इसमें इन्होंने कहा। ये इनका पूछा जाता है, यह सूत्र किसका है? यह सूत्र किसका है? यह भरत मुनि का है। भरत मुनि का सूत्र है। भरत मुनि ने कहा कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, इसका मतलब क्या होता है?
हाँ, इसका मतलब होता है कि जब विभाव अनुभव व्यभिचारी भावों से संयोग करता है, मिलता है, मेल करता है, तब किसकी उत्पत्ति होती है? रस प्राप्त होता है, रस की उत्पत्ति होती है। कन्फर्म होगा? तो इस सूत्र में इन्होंने यही बताया, अपने इस नाट्य शास्त्र में सबसे पहले बात इन्होंने यही बताया कि विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। जब विभाव अनुभव व्यभिचारी भावों से संयोग करता है तब किसको प्राप्त करता है? रस को प्राप्त करता है। कन्फर्म हुआ? लेकिन ध्यान रखिएगा, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है इसमें कुल 8 रसों का ही उल्लेख किए हैं भरत मुनि। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है आपका कानून गो की परीक्षाओं में, बीएड के भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है कि भरत मुनि अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में कुल कितने रसों का उल्लेख किए हैं। तो भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में कुल कितने रसों का उल्लेख किए हैं? कितने रसों का उल्लेख किए भैया? 8 रसों का उल्लेख किए हैं। कन्फर्म हुआ? 8 रस है। जो नौवां रस है आपका, जो नौवां रस है वो क्या है? शांत। ये पूछता है कि नौवां रस कौन सा है, तो नौवां रस आपका शांत रस है। और भरत मुनि जो है इस रस का उल्लेख नहीं किए अपने नाट्य शास्त्र में, शांत रस का उल्लेख नहीं किए हैं। उन्होंने अगर रसों का उल्लेख किया है तो सिर्फ नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। इन 8 रसों में ये शांत रस आपका सम्मिलित नहीं है। ये नौवां रस जो है ये है अभिनव गुप्त आचार्य अभिनव गुप्त के द्वारा ही इस रस को रखा गया नौवें रस के रूप में। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आचार्य अभिनव को किस रस को नौवें रस के रूप में मान्यता प्राप्त किए, या कहते हैं कि नौवें रस का जो है या शांत रस का प्रवर्तक कौन है, आचार्य कौन है, प्रणेता कौन है, देने वाले कौन है? तो इसमें कौन है आपके? आचार्य अभिनव गुप्त है। कन्फर्म हुआ? अब देखिए, अब अगर हम रस की परिभाषा दें, रस की क्या परिभाषा बनती है? हाँ, रस की परिभाषा होती है कि काव्य को पढ़ने से नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस का ये आपका रहा परिभाषा कहते हैं कि जब काव्य को पढ़ा जाए, देखिए काव्य को पढ़ा जाए एक तो काव्य को पढ़ने से जिस आनंद की अनुभूति होगा वही अनुभूति हमारा क्या कहलाता है? रस का। काव्य को पढ़ेंगे, नाटक को देखेंगे तो क्या होता है, या तो नाटक देखा जाता है बड़ा हंसी छूटता है, क्रोध भी आ जाता है, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, तो इन सारी चीज़ें की प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं। तो इस प्रकार जिस भी प्रकार की आनंद, क्रोध का आनंद होगा, जैसा भी होगा, जिस प्रकार की आनंद की अनुभूति होगा वही अनुभूति ही, आनंद की अनुभूति ही हमारा क्या कहलाता है? रस कहलाता है। अर्पण हुआ? एक चीज और समझिएगा, एक और पढ़ेता थे जिसका नाम था आचार्य विश्वनाथ ने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इन्होंने कहा कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है। कहते हैं जिसमें रस युक्त वाक्य ही काव्य है, कहते हैं जिस वाक्य में रस ना हो, जिस काव्य में रस ना हो वह वाक्य वाक्य नहीं है, वह काव्य काव्य नहीं है। जैसे हमने बताया कि रस के कारण आप लोग यहाँ आए हैं, कोई रस है तब यहाँ आए हैं, मेरे पास कोई रस है मैं तब यहाँ आया हूँ, तो ऐसे ये भी कह रहे हैं कि अगर काव्य में कोई रस ना हो तो वह काव्य काव्य नहीं है, बल्कि हर काव्य में रस का होना अति आवश्यक है। कन्फर्म हुआ? कन्फर्म भैया एक बार फिर समझिएगा, हमने बताया रस
रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है होता ही क्या होता है आनंद। रस शब्द का सबसे पहली बार अलग उल्लेख किया गया था वह किस में किया गया था, अथर्ववेद में। रस के जो जनक हैं या रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं जनक हैं उनका नाम क्या है, भरत मुनि। भरत मुनि का एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कुल 8 रसों का ही उल्लेख किए हैं। और भरत मुनि का जो एक रस नाट्यशास्त्र में एक सूत्र दिए कहें कि विभाव अनुभव व्यवचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, कहते हैं कि विभाव अनुभव संचारी भाव से संयोग करता है, व्यवचारी भाव से संयोग करता है तब किसकी निष्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है। भरत मुनि अपने ग्रंथ जो में 9वां रस जो शांत रस के रूप में है इसका उल्लेख वो नहीं किए हैं। इसके प्रवर्तक हैं आचार्य विश्वनाथ गुप्त, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य अभिनव गुप्त। फिर हमने बताया एक आचार्य विश्वनाथ हैं, इनका कानूनों की परीक्षा में ये सेंटेंस पूछा जा चुका, कई बार परीक्षाओं में ये सेंटेंस पूछा जा चुका है, वाक्य रसात्मक काम काव्यम किसका है, तो ये आप जानिएगा कि आचार्य विश्वनाथ ने दिया वाक्य रसात्मक काव्यम अर्थात रस युक्त वाक्य ही हमारा क्या है, काव्य है, कन्फर्म हुआ। फिर आपको यहाँ पर देखिएगा इसकी अगर हम इसको परिभाषित करें, इसकी परिभाषा हम देंगे कि काव्य को पढ़ने से नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है वो आनंद की अनुभूति को ही हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। नहीं बात आप पूछ, क्लियर हुआ। देखिए हमने आपको संक्षेप में बताया कि हर कार्य के पीछे रस जुड़ा होता है, हर कार्यों के पीछे रस जुड़ा होता है, ठीक ना। अब देखिएगा ये रस के अवयव मिटा भी इसको, बीएड का एंट्रेंस का एग्जाम इसे टलने वाला है आज दिया पेपर। हाँ नहीं दिया है आज गुरुज्वाला। अब चुनाव संबंध में देखिएगा रस के अवयव या रस के अवयव कह सकते हैं, रस के तत्व भी कह सकते हैं। तो रस के देखिए 4 अवयव हैं, एक होता है आपका अस्थाई भाव, क्या होता है अस्थाई भाव, दूसरा होता है आपका विभाव, इसके बाद क्या होता है आपका अनुभव, इसके बाद होता है संचारी भाव, इसी को कहा जाता है व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। अस्थाई भाव इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या कितना है 9, इनकी जो संख्या कितना है 2, इनकी जो संख्या कितनी है 4, और इनकी जो संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 3। यह आपका कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, कई बार इस चीज को परीक्षा में पूछा जा चुका है कि किसकी संख्या कितनी है। तो संचारी भाव देखिए इसी का 2 नाम है, कभी कभी पूछा है संचारी भाव को और किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, व्यभिचारी भाव के नाम से भी जाना जाता है। व्यभिचारी भाव को और किस नाम से जाना जाता है, संचारी भाव जाना जाता है। इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या कितनी है 33 है, कन्फर्म हुआ। जो अस्थाई भाव है इनकी संख्या कितनी है 9, विभाव है इनकी संख्या कितना है 2, अनुभव है इनकी संख्या कितनी है 4, कन्फर्म हुआ। देखिए अस्थाई भाव क्या है, जैसे आप इसका है आपका रज, रति या प्रेम, और ये किसमें है आपका श्रृंगार। दूसरा है आपका हास या हंसी, यह किसमें है हास्य रस, यह हास्य रस का स्थाई भाव, ये सब स्थाई भाव लिख रहे हैं। फिर हमने आपको बताया शोक, इसका क्या है आपका करुण रस। भय, ये क्या है भयानक रस। जुगुप्सा, या घृणा,
ये आपका विभत्स्य रस, इसके बाद है जुगुप्सा या घृणा, फिर आता है आपका क्रोध, ये किसमें है रौद्र रस, आश्चर्य, विस्मय, अद्भुत रस, एक कौन सा छूट रहा है, निर्वेद, ये आपका शांत रस, इसका अद्भुत 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 ये आश्चर्य विस्मय, आश्चर्य विस्मय इसका होता है अद्भुत रस, एक कौन छूट रहा है भाई, कोई छूट रहा है, हम तो छूट रहा था नहीं, हाँ उत्साह, बांध लीजिएगा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक परीक्षा चाहे टीजीटी पीजीटी से लेकर के कोई भी परीक्षा होता है, एक प्रश्न आपका यहाँ से निश्चित रूप से पूछा जाता है, सभी परीक्षाओं में चाहे जितना हो कोई भी बीएड के लेकर के टीजीटी पीजीटी से लेकर के किसी भी परीक्षा को दे देंगे, एक को जरूर पूछा जाता है, पूछ देगा आप देखिए इसमें इसमें से प्रश्न कैसे पूछेगा, इसमें पूछेगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या, अस्थायी भाव मतलब होता है प्रधान भाव, अस्थायी भाव श्रृंगार रस का क्या होता है रति या प्रेम, पूछेगा हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, इसका होता है हास या हंसी, दूसरा है करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है शोक, भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, क्या है भय, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है जुगुप्सा या घृणा, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है क्रोध, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है आश्चर्य विस्मय, वीर रस का स्थायी भाव क्या है उत्साह, शांत रस का स्थायी भाव क्या है निर्वेद, निर्वेद का मतलब होता है वैराग्य, जब ऐसा आप कुछ रचना पढ़िए जब सांसारिक मोह माया से आपको क्या हो दूरी बने, तो यहाँ पे कौन सा रस प्राप्त हो जाता है, कौन सा रस होता है शांत रस, खत्म हुआ, देखिए भरत मुनि तो इतना ही रस बताए, कितना 8 रस, अभिनव गुप्त आए तो 9 रस के रूप में रखे ना, लेकिन इनकी संख्या इतना तक ही नहीं रही, इनकी संख्या और भी आगे बढ़ी, जैसे सूरदास कवि के कारण ही इनकी एक रचना और बढ़े, वह है तो मुख्य रूप से इसी का भाग है, श्रृंगार रस का ही भाग है, लेकिन इन दोनों के कारण जो सूरदास के कारण जो है इसको अलग श्रेणी में रखा गया, सूरदास के कारण कैसे रखा गया देखिए, इसका जो है ये आपका है वात्सल्य, वात्सल्य विषयक रति, इसका होता है वात्सल्य रस, इसका होता है भक्ति विषयक रति, इसका होता है भक्ति रस ना,
ये है सूरदास। देखिए पहले वात्सल्य का समझिए, वात्सल्य का मतलब क्या होता है। वात्सल्य का मतलब होता है कि अपनी माता का बच्चे पर जो ममता बरसती है उसी को क्या कहा जाता है, वात्सल्य कहा जाता है। बच्चे का अपनी माता का अपने बच्चे के प्रति जो ममता बरसती है उसी को क्या कहा जाता है, वात्सल्य कहा जाता है। और इसमें सूरदास ही एक ऐसे कवि हैं, कवियों में विश्व में अन्यतम एक ऐसे कवि हैं सूरदास, जिस कवि को जो कहा जाता है वात्सल्य सम्राट का कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वात्सल्य सम्राट का कवि कहा जाता है सूरदास को। समझ रहे नहीं, सूरदास इसलिए क्योंकि वे कृष्ण और उनकी माता का जो है उल्लेख किए हैं, अपनी हर रचनाओं में कृष्ण और उनकी माता का उल्लेख किए हैं। तो इस प्रकार से सूरदास के कारण एक और आपका रस बना, क्या बना आपका, वात्सल्य विषयकृति स्थाई भाव, यह कौन सा रस है आपका, वात्सल्य रस। फिर आपका बनेगा भक्ति विषयकृति, ये कौन है आपका, भक्ति रस, इसका है आपका भक्ति विषयक रति। कन्फर्म होगा, कोई डाउट है किसी को, भक्ति रस। भक्ति रस कन्फर्म होगा, हाँ ये इन्हीं सभी के कारण कृष्ण की भक्ति तो किए हैं, कृष्ण की भक्ति की है। तो इस प्रकार से आपका दो रस और हैं। अब इसमें से कभी पूछा जाता है कि रसों की संख्या कितनी है। देखिए अब इसमें प्रश्न बनेगा, पूछा जाएगा कि रसों की संख्या कितनी है, तो रसों की संख्या कितना है, नौ रस है। इसीलिए तो इसको कहा जाता है नौ रस। क्या कहा जाता है, नौ रस। पूछेगा रसों की संख्या कितनी है, तो रसों की संख्या कितना है, नौ। कल्पना होगा, फिर पूछेगा कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो कितना है, आठ। कन्फर्म हुआ, फिर पूछा जाएगा कुल रसों की संख्या कितनी है, तो कुल रसों की संख्या नौ से बढ़कर के फिर कुल रसों की संख्या कितना हुआ, ग्यारह। कन्फर्म हुआ, फिर पूछ देगा कौन सा ऐसे कवि है जिस कवि को वात्सल्य सम्राट का कवि कहा जाता है, तो वात्सल्य सम्राट का कवि कौन है, विश्व में एक ऐसे कवि है। वात्सल्य का क्या मतलब होता है कि अपनी माता का बच्चे पे जो ममता बरसती है उसी को क्या कहा जाता है, वात्सल्य कहा जाता है। कन्फर्म हुआ, देखिए कहीं कहीं यही होता है, नाम भी रखते हैं हॉस्पिटल का नाम, अपने अस्पताल का नाम वात्सल्य रखते हैं, जान वात्सल्य चिकित्सालय। वात्सल्य चिकित्सालय का क्या महाशय होता है, वहाँ जहाँ माँ और बच्चे दोनों का क्या होता है, देखभाल हो, तो ये वात्सल्य। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, तो ये रस संबंध में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। और एक प्रश्न आपका इससे रस का अगर बात की जाती है, तो रस के संबंध में आपका यहाँ से आपका एक प्रश्न तो केवल इतने से रहता है, अभी हम बता देते हैं, ये 100% है, इसमें कोई टाल नहीं सकता। अगर हिंदी सम्मिलित है और हिंदी में रस सम्मिलित हो, निश्चित रूप से यहाँ से आपका एक प्रश्न पूछा जाता फिक्स है। अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप कितना अच्छे से याद कर पाते हैं। कन्फर्म हुआ, देखिए इसका श्रृंगार में होता है रति है, इसमें ये करुण में शोक, भय, जिगुप्सा, क्रोध, आश्चर्य विस्मय, उत्साह, निर्वेद, वात्सल्य विषय रति और भक्ति विषय। कन्फर्म हुआ, विभाव का हमने दो भाग बताया, विभाव का दो भाग क्या है, ये होता है आपका आलंबन विभाव। आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के भी दो भाग होते हैं, एक होता है आपका आश्रयालंबन, दूसरा होता है विषयालंबन। अनुभाव में चार भाग, कायिक अनुभव, मानसिक अनुभव सात्विक अनुभव, चौथा है आपका कायिक मानसिक सात्विक आहार अनुभव। और इनकी संख्या 33 है, जिसमें
हर्ष विषाद मरण मूर्छा ग्लानि ये रहा अस्थाई भाव, फिर विभाव, फिर अनुभाव, फिर संचारी भाव या व्यभिचारी। तो इसमें है आपका विभाव में आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन के दो भाग कौन कौन से हैं? तो आश्रय आलंबन, दूसरा आपका है विषयालंबन। और इसमें ये अनुभाव में है आपका कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभव, सात्विक अनुभव और आहार्य अनुभव। कन्फर्म हुआ? तो कायिक, मानसिक, सात्विक और आहार्य अनुभव। फिर आपके और भी हैं जिसके अंतर्गत है आपका संचारी भाव के अंतर्गत आपका है हर्ष या विषाद, फिर है मूर्छा, फिर है आपका ग्लान। इस प्रकार से इनकी संख्या लेकर के कितना है? 37 है। कन्फर्म हुआ? आपसे पूछा जाएगा इस तरीके से, पूछा जाएगा अनुभव की संख्या कितनी है? तो अनुभव की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? तो कायिक है, मानसिक, सात्विक और आहार। कंफर्म हुआ? फिर पूछा जाएगा संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या कितना है? 33। कौन कौन से? हर्ष, विषाद, मरण, मूर्छा, ग्लान, इस तरीके से लेकर के इनकी कुल संख्या कितना है? 33। कन्फर्म हुआ? ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, आप लोगों को छोटी परीक्षाओं नहीं पूछा जाएगा, इसलिए सब सारी संख्या नहीं बता रहे हैं। आप पढ़ना चाहते हैं, किताब दिया है, आप इसको और बड़ा पढ़ सकते हैं। कन्फर्म हुआ? फिर पूछा नहीं जाता, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है कि संचारी भाव या व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी है। तो संचारी भाव या व्यभिचारी भावों की जो संख्या है वो कितनी है? 33 है। कन्फर्म हुआ? कन्फर्म हो गई है, सबका बन गया। अब बारी बारी से एक एक को समझिए, आप समझ लेंगे तो निश्चित रूप से ये आ जाएगा। देखिए, हमने कहा कि अस्थाई भाव, अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई का भाव का मतलब होता है प्रधान भाव, एक ऐसा भाव जो प्रारंभ से लेकर के अंत तक क्या हो, बना रहता है, इसी को क्या कहा जाता है? अस्थाई भाव। हम देखिए, कभी कोई फिल्म देखते हैं या कोई नाटक देते हैं, कोई काव्य कहानी सुनते हैं, तो अगर हंसी कोई एक भाव ऐसे पनपता है जो शुरू से लेकर के आखिर तक बना रहता है, ऐसे भाव को ही हम क्या कहते हैं? अस्थाई भाव कहते हैं। कन्फर्म हुआ? ये काम के शुरू से लेकर के अंत तक बना रहता है, ये पूरी अवस्था को प्रदान करता है, ये कैसा भाव है आपका? अस्थाई। दूसरा है विभाव। विभाव क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इतना पॉइंट। विभाव क्या है? विभाव क्या है? विभाव का आशय है कि जिसके कारण अस्थाई भाव उद्दीप्त होते हैं, जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत होते हैं, जिसके कारण अस्थाई भाव उद्दीप्त होते हैं, जिसके कारण अस्थाई भाव दिखाई देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? विभाव। क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। नहीं कर पाऊंगा। देखिए, अब ऐसे आप बैठे रहेंगे तो अचानक आपको गुस्सा आ जाएगा, कोई तो प्रक्रिया होगी तब तो गुस्सा आएगा। जो प्रक्रिया होगी जिसके कारण आपको गुस्सा आएगा वही क्या है? विभाव है। अस्थाई भावों को जागृत करने वाले कारक ही क्या है? विभाव कहलाते हैं। नहीं कन्फर्म होगा। अरे, आप ऐसे बैठ रहेंगे, अचानक हंसने लगेंगे, नचाने नहीं, या कुछ देखेंगे, किसी व्यक्ति को देखेंगे, या आप कहीं बैठे हैं तब तक किसी को हंसी नहीं छूटता है, जब कोई नाटक देखे, नौटंकी देखते हैं, तब तक हमें हंसी मजाक नहीं आता, जब विदूषक आता है कुछ बातों को बोलता है तब हमें क्या होता है? हंसी छूटती है, तब हंसी ठहाके लगते हैं। ऐसे अचानक हम बैठे बैठे थोड़ी हंसने लगते हैं, और ऐसे हंसने भी अगर लगते हैं तब भी निश्चित रूप से मन में कोई न कोई विचार आता है, जो भी विचार आया है वही विचार ही हमारा क्या है? विभाव। विदूषक वहां पे क्या है? विभाव है। विदूषक के कारण ही हमारे मन में भाव जगा। नहीं कर पाऊंगा। हंसी का भाव आया, या कभी कभी होता है अच्छा डांस नहीं कर रहा है, अच्छा डांस ना होने के कारण बनाते हैं जिसको गुस्सा लगता है, कितना जल्दी इसका समय समाप्त हो, जल्दी जाए यहां से ना, तो तब भी हमें क्या होता है? तब भी हमें एक भाव प्राप्त होता है। कैसा भाव? ये भी एक भाव, गुस्से का, क्रोध का भाव प्राप्त होता है ना। नाटक वगैरह देखते हैं, तो उसमें होता क्या है,
यही होता है, दिखते कभी कभी देखते हैं मर जाता है अभिनेता उसमें मर जाता है, घायल हो जाता है, डायरेक्ट शोक का भाव तुरंत तोड़ने लगता है ना, शोक का भाव प्राप्त हो जाता है वहां पे। देखिए यही होता है, अगर उसको ऐसा अगर नहीं लगा होता, उसको गोली बंदूक नहीं लगा होता, तीर कमान नहीं लगाया होता किसी प्रकार से, तो क्या होता, तब नहीं पड़ा भाई। हमने देखा उसको विभाव है क्या, सीधा सीधा समझिए विभाव होते हैं जिसके कारण अस्थाई भाव क्या होते हैं, जागृत होते हैं। कर्पण हुआ अस्थाई भावों को उद्दीप्त करते हैं, अस्थाई भाव को जागृत करते हैं, यही क्या कहलाते हैं आपके विभाव। कर्पण हुआ इनकी संख्या कितनी है, दो। क्या है आपका आलंबन विभाव और दूसरा क्या है उद्दीपन विभाव। कन्फर्म हुआ, देखिए हम बताएं विभाव की बहुत बड़ी भूमिका, आप लाजोज में रहते होंगे या चलते फिरते जगहों पे, तो आप ध्यान से स्थान क्या है, आश्रय लंबन क्या है, आश्रय लंबन मतलब होता है कि देखिए जिसके मन में भाव जगे वह क्या कहलाता है, आश्रय लंबन, जिसके मन में भाव जगे, जिसके मन में भाव जगे, जिसके मन में भाव जगेगा वही क्या कहलाएगा, आश्रय लंबन, और जिसके प्रति भाव जगे, जिसके प्रति भाव जगे वह क्या कहलाता है, विषयालंबन। अच्छे समझिएगा, आश्रय लंबन क्या होता है, जिसके मन में भाव जगे ना, और जिसके प्रति भाव जगे, नायक के मन में भाव जगा और किसके प्रति जगा, किसके कारण जगा, अपनी नायिका के कारण, तो नायक क्या हुआ, आश्रय लंबन, और विषयालंबन की क्या हुई, नायिका। जैसे हम कहें कृष्ण का राधा के प्रति, अब फिर कौन सा आश्रय लंबन है, कौन सा विषय लंबन है, तो किसके मन में भाव जगा, कृष्ण के मन में भाव जगा, किसके प्रति भाव जगा, किसके कारण भाव जगा, वो कौन है, राधा, राधा के कारण मन में भाव जगा, तो राधा के कारण मन में भाव जगा, तो राधा यहाँ पे क्या हो गई, विषय लंबन। कन्फर्म होगा। अब ये देखिए आपका है उद्दीपन, उद्दीपन आप जानते हैं, हाँ क्या चीज उद्दीपन, हाँ उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब देखिए उद्दीपन करता क्या है, आग में घी का कार्य करता है, आग में कार्य किसका करता है, घी का कार्य करता है ना। अब देखिए उद्दीपन विभाव क्या होता है, उद्दीपन विभाव जो है अस्थाई भावों को क्या करता है, और तीव्र कर देता है, अस्थाई भावों को क्या कर देता है, तीव्र कर देता है। जैसे देखिए कोई रमणीय स्थान मिल जाए, रमणीय स्थान को देख करके नायक और नायिका के मन में प्रेम जगे, तो वहां पे क्या कहलाता है आपका, उद्दीपन विभाव। या देखिए या आप आ जाए जैसे सुनसान स्थान देखने के बाद भी नायक और नायिका के मन में रति का भाव जगता है, अर्थात इस भाव को और क्या कर देता है, तीव्र कर देता है, तो वहां पर भी किस तरीके का भाव होता है, चांदनी रात भी, ये लेकिन सब क्या कर रहे हैं, ये अस्थाई भाव को तीव्र कर रहे हैं, चांदनी रात है तब भी नायक और नायिका है, तब भी ये चांदनी रात भी उनके प्रेम को क्या कर रही है, इनके अस्थाई भाव को क्या कर रही है, और तेज बढ़ा रही है, और तीव्र कर रही है। या चांदनी रात या कोकिल गुंजार कर रहे हैं तब भी भाव क्या होता है, भाई कोयल बोल रही है, कोकिल गुंजार हो रहा है, तब भी नायक नायिका है, तब भी एक दूसरे का प्रेम जो है कोकिल गुंजार से भी क्या होता है, बढ़ता है। कि ये किस प्रकार का भाव करते हैं, आग में घी का काम करते हैं, अर्थात जैसे ये आपका रमणीय स्थान देखिए, सुनसान स्थान देख लिए, कोई प्राकृतिक स्थल देख लिए, कोई उद्यान देख लिए, तो इस प्रकार से भी इस भाव क्या करता है, तीव्र कर देता है। नहीं बात है, शुक्र यहाँ जिसको कोई दिक्कत हो यहाँ तक पूछिए तो उसके आगे का पूछिए भाई, जिसको कोई दिक्कत हो। कुछ दिक्कत है भैया यहाँ किसी को, हाँ ये कुल जब कहानी समझ में आ जाएगा, कैसे कहीं कोचिंग कहानी वानी बताया नहीं जाता, ये सब बता रहे हैं, ये सब सीधा डायरेक्टर लिखवा देते हैं।
रस डलवा दिए, रिसीजा लिखवा दिए, दूधी नम खत्म। हम आपको बता दे रहे हैं, पूरी कहानी बता दे रहे हैं। इसमें से अगर आपको कहीं पर किसी प्रकार का कोई डाउट शंका संदेह लगता है, आप अपनी शंका संदेह डाउट को पूर्व कर सकते हैं। पीछे हम जब पूछेंगे तब पूरा बताना पड़ेगा। हाँ तो होगा ही बिल्कुल, भाई हमने बताया कि अस्थाई भाव जब भी जागृत होता है तो अपने मन से तो अस्थाई भाव जागृत नहीं होगा भाई। अब बैठा रहेंगे तो ऐसे बैठे बैठे का अपने आप आ जाएगा कोई चीज। जब आप कुछ सोचेंगे तब ही रोएंगे, कभी नहीं होता है। पुरानी बीत गाती अतीत में कुछ घटनाएं ऐसी आपकी समझ घटी रहती हैं, हम बैठे रहते हैं सोचने लगते हैं, सोचने सोचते हैं क्या लगते हैं, रोने लगते हैं, रोने लगते हैं, रोने लगते हैं। तो विभाव हुआ उस बात को सोचें, सोचेंगे तब ही तो रोएंगे। आप कोई चीज़ ऐसी रही, बैठे थे तब तक कुछ किसी को देख लिए, मेरी अपनी भी याद आ गई, अपनी भी याद आ गई तो ये काम किए कि नहीं, विभाव आया। अगर विभाव नहीं आता कहें कि जो है मैं आता, हम भी हंसने लगे, विभाव हमारे आया हम भी अपनी बात को सोच करके हंसने लगे। क्यों? जिस तरीके से विभाव की भूमिका, विभाव क्या करता है, अस्थाई भाव को उद्बोध करता है, जागृत करता है, उत्पन्न करता है, पैदा करता है एक प्रकार से। कन्फर्म हुआ ये आपका? आलंबन का मतलब है सहारा, जब किसी का सहारा पा करके नायक नायिका का सहारा पा जाए, नायिका नायक का सहारा पा जाए, या नायक नायिका प्रकृति का सहारा पा जाते हैं, तब भी क्या होते हैं, अस्थाई भाव क्या होते हैं, जागृत हो जाते हैं। भाई पार्ट वन इसी का है। और फिर हमने बताया आश्रय आलंबन, जिसके मन में भाव जगता है वह आश्रय आलंबन, जिसके प्रति भाव जगता है वह क्या कहलाता है, विषयालंबन कहलाता है। फिर देखिए उद्दीपन विभाव, उद्दीपन हमने बताया कि ये तो हमेशा आत्मिक ही का काम करता है। ये लेके आ करें नायक नायिका हैं, अस्थाई भाव तो उत्पन्न नहीं हो रहा, तब तक रमणीय स्थान देख लिए, रमणीय स्थान देख लिए, सुंदर स्थान देखिए, तो रति की बात, प्रेम क्रीड़ा की बात और तीव्र हो गई। ये भी क्या किया जो है उद्दीपन विभाव का, सुनसान स्थान देख लिए तब भी जो है रति का प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है, अचानक आ जाता है। ये स्वाभाविक क्रियाएँ हैं भैया, और ये रोकने से रुकती नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये स्वाभाविक क्रियाएँ हैं, समझ रहे नहीं, ये स्वाभाविक क्रियाएं हैं, ये अपने आप हो जाता है। ये स्वाभाविक क्रियाएं आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छे और कन्फर्म होगा, ये स्वाभाविक क्रियाएं हैं, ऐसा व्यक्ति के साथ घट जाता ही है। आपको कोई डाउट है पीछे? चलिए चलिए, चलिए बताइए, हिंदी भाषी क्षेत्र बताओ, हिंदी भाषी क्षेत्र बताओ कौन कौन से हैं? हेलो आप बताओ, अनुच्छेद 350 क्या है? 350 में ये है कि जो प्राथमिक स्तर के भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 क्या है? 350 यही है कि जो बच्चे हैं उनको मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा। इसमें तो नहीं कहा गया है ये बात, चलो आप बताओ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का लैंग्वेज, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 350 क्या कहता है? 350 में सर आप बताओ, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दिया जाएगा? 351 में। इस अनुच्छेद में कहा गया भारत की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। लिपि किसे कहा जाता है? लिपि किसे कहा जाता है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि का विकास सर्वप्रथम किस राज्य से हुआ था? गुजरात। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था? अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? उर्दू भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा पंजाबी लिपि पंजाबी भाषा की जो लिपि है गुरुमुखी, गुरुमुखी लिपि के जनक कौन है? गुरु अंगद। सिखों के कैथिक कौन से गुरु हैं? पढ़ रहे हैं आप, चलिए ठीक है, पढ़िए सब खड़े हैं, पूरा तैयार करके आइए, हम पहले कल पूछेंगे। सर
पूरा जितना पढ़ाए हैं उसके बाद ही क्लास आएगा। सर मुझे बताइए बिल्कुल टाइम यूथ कंपटीशन का ले लीजिएगा। यूथ कंपटीशन का इस समय निकाला है, यूथ कंपटीशन का निकाला है उसका ले लीजिएगा। बी एड के और लेकर के लेखपाल के लिए कानूनों के लेकर सारी परीक्षा। और सर ये कह रहे हैं जैसे अगर एंट्रेंस की डेट बढ़ जाती है तो कोई आज कोई पेपर दिया है कि शायद संभवतः एंट्रेंस का डेट बढ़ेगा चुनाव के कारण। नौ बजे के बाद तो वैसे देखिए कई क्लास पढ़ाते हैं वैसे कट जाते हैं। वैसे जितना आप सर के साइड ले लीजिएगा, साइड साइड के हमने बहुत सारे चैप्टर को पढ़ाया जिसमें समाज से बहुत सारे चैप्टर हैं, आप वैसे भी पढ़ सकती हैं। ये तो आप कर सकती हैं, इतना भी नहीं कर सकती। हमने पूरी तरीके से अच्छे से बताने का पूरा प्रयास किया। आप पढ़िएगा, जहाँ नहीं समझ में आएगा आपको कन्फर्म कर लीजिएगा। क्या दिक्कत है? आप लोग किसी तैयार करते हैं? थोड़ा आवाज तेज करके बात करिए। किसकी? लोअर पीसीएस। आप भी तैयार करते हैं लोअर पीसीएस की? ये चार लोग। अच्छा, कभी दिए भी हैं? अभी एक भी बार अटेम्प्ट नहीं किए हैं। ग्रेजुएशन हो गया है ना? मैं जान सकता हूँ कि सब्जेक्ट है? कॉमर्स है। आपका? आपका देखिए सर हमसे कह रहे थे पढ़ाने के लिए। मेरा नाम देवेश पाठक, हम वहाँ कोचिंग पढ़ाते हैं साईं बाबा मंदिर के पास, लेकिन मेरी जो कोचिंग है वो पीसीएससी की है। पीसीएससी पढ़ाते हैं, लास्ट सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ, पीएस एकादु सर वो पढ़ाते हैं। तो सर मुझे कहने लगे कि संविधान पढ़ाने के लिए, तभी इंटरव्यू है यूपीजी का। तो अभी वही सर से कह रहे थे कि अभी समय मेरे पास नहीं है, लेकिन हम चलते हैं आज थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं, इंटरव्यू हो जाता है तो हम चाहेंगे कि हम पढ़ाएँ संविधान। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक तो ये है जैसे अस्तर हम कुछ सर क्या करते हैं, कहीं कुछ लोग के हैं कुछ लोग लोअर के हैं, तो हम कहे सर ये कहे कि ऐसा बताइएगा कि आर्टिकल कौन किसमें क्या कहा गया है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये न्याय नहीं होगा जब तक आप कुछ उसके मूल जड़ के बारे में प्रारंभिक स्तर से गहराई से नहीं जानेंगे, फिर संविधान ऐसे कई बार पढ़ते रह जाएंगे तो दिक्कत होगी। जैसे अभी कोई आपसे पूछे संविधान क्या है, क्या उत्तर दीजिए? आप तैयारी कर रहे हैं, हम आप जाना चाहते हैं। सबके लिए एक हो संविधान, वही है आप नियमों का संग्रह है। मैं कह रहा हूँ नियमों का संग्रह तो आरपीसी भी है, सीआरपीसी भी है, क्या वो संविधान है? कुछ सुना सकता है ना? आपने क्या बताया? सर जो ऐसे नियम हैं जो सबके लिए समान है, क्या संविधान में सभी के लिए समान है? क्योंकि समता का एक अनुच्छेद है। समता क्या होती है? इक्वलिटी होती है। आप देखिए यही चीज दिक्कत है, समता इक्वलिटी समता। अरे समता बताइए, हम हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी नहीं जाना चाह रहे हैं, ये चीज समझिए इस चीज को। तो समता क्या है? 14 पढ़े उसमें दो चीजें दिया है, दो सिद्धांत दिया गया है, विधियों के समझ समता, विधियों के समान संरक्षण, है ना? अब दोनों का अर्थ क्या है ये जानना जरूरी है। तो समता का मतलब ये होता है कि समानों के साथ समान व्यवहार, असमानों के साथ असमान व्यवहार नहीं, समान व्यवहार। विशेष परिस्थितियों में जो संरक्षण दिया गया है, एक है सकारात्मक एक है नकारात्मक। ये सारी चीजें जब तक आप नहीं समझेंगे संविधान नहीं समझ पाएंगे। प्रश्न उठता है संविधानवाद क्या है? तो क्या होता है संविधानवाद? है नहीं सारे क्वेश्चन। तो अगर हम सिर्फ यहाँ आके आर्टिकल यहाँ लिखवा के चले जाएं तो वो हमको लगता है हर स्टूडेंट के साथ अन्याय होता है, क्योंकि हम उस परिस्थिति से गुजरे हैं। यहाँ तक जो स्टडी की है हमें लगा कि गलती हमेशा जो है टीचर की होती है, क्यों? वो उस चीज़ को कन्वे नहीं करते जो आप सीखने के लिए आते हैं। शायद आप हैं वहाँ भी कोई पढ़ता है इसमें से कभी
अच्छा आए थे शैलेंद्र भैया, हमको लगता है तब कोई और लड़की थी वहाँ से, हमारे कुछ मित्र हैं पीसीएस हैं, पीसीएस से हैं और वो आते रहते हैं और वो हमारी क्लास में पढ़ाते हैं, जिससे भी आज ही मजिस्ट्रेट आएंगे और वो पढ़ाएंगे। तो अब सर से हम बात किए हैं, हम वहाँ यहाँ पढ़ाएं ना पढ़ाएं ये अलग बात है, लेकिन यदि यहाँ चल रही है तो हम भी जौनपुर के हैं, जौनपुर में टैलेंट बहुत है, कूट कूट के भरा हुआ है, तो हम चाहेंगे कि ऐसे लोग यहाँ भी आएं और हम अपने सारे बच्चों को बुला के यहाँ कर देंगे, क्योंकि यहाँ स्पेस ज़्यादा है तो आप लोगों को गाइड मिलती रहेगी कैसे क्या करना है। बाकी सर से कहें कि बीच में जब आप चाहेंगे तो हम बीच बीच में पाएंगे, कि हमारे पास ना वहाँ भी दोनों टाइम कोचिंग पढ़ाते हैं और सर कह रहे थे कि आप यहाँ पढ़ाएंगे, बस 40 मिनट पढ़ा दीजिए, लेकिन हम ऐसे हैं कि हम 40 मिनट में नहीं समझते हैं पढ़ाएं, जो टॉपिक में उसको शुरू करें तो वो चीज़ वहीं एंड कर देंगे, क्यों बीच में छोड़ते हैं, अगले दिन आते हैं तो सारे क्वेश्चन जो पहले बताए रहते हैं यदि नहीं निकाल होता तो कड़ी टूट जाती है, तो कोई चीज़ शुरू करिए तो वहाँ तक कदम पहुँचा दीजिए उतने ही शब्दों में। अगर 40 मिनट क्लास है तो 40 मिनट में समता बता रहे हैं, समता खत्म हो जानी चाहिए, ये नहीं हमारे पास तो जैसे हम लोग ना किए हुए हैं केस ला होते हैं, केस का डिसाइड करने लगेंगे तो बहुत दिन चलेगा, तो ये हम जानना चाह रहे हैं कि इसके पहले संविधान पढ़े हैं आप लोग ने नहीं पढ़े हैं, तो संविधानवाद अगर कोई पूछता है संविधानवाद क्या है, क्या बताएंगे, कभी दिमाग में आया, क्योंकि आप लोअर पूरी तैयारी कर रहे हैं, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप संविधान जानते हैं। देखिए संविधानवाद क्या होता है, किसी भी चीज़ का जहाँ वो चीज में लग जाए वाद, जैसे संविधानवाद क्या है, संविधान के उपबंधों पर चलना ही, संविधान के नियमों पर चलना ही संविधानवाद होता है। धर्मवाद, धर्म क्या है और धर्मवाद क्या है, धर्मों पर चलना ही धर्मवाद, ये सब छोटे होते हैं लेकिन इंटरव्यू में यही क्वेश्चन अच्छे अच्छों को पसीना निकाल देता है, सोचने लगते हैं। तो ये चीज़ें जब पढ़ाया जाएगा तो आपको ये सारी चीज़ें हम उसी समय बताएंगे, ये ज़रूरी नहीं सिर्फ आर्टिकल में विद्युत समाज संरक्षण लिखवा के छोड़ दीजिए, हम सब कहें हम कहें हमेशा नहीं पढ़ा पाएंगे, हम पढ़ाएंगे तो आराम से पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ एक एक आर्टिकल पूरा मौका देंगे, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछना है चाहे तो आप हमें फंसाने के लिए भी पूछ सकते हैं, पूरी लिबर्टी देंगे, क्योंकि हम कोचिंग वहाँ पढ़ाते हैं तो ये चीज़ कहते हैं कि लास्ट समझ जो संबंधित क्वेश्चन है जो हम सब पढ़ा रहे हैं उस समय आप उनको फंसाने के लिए पूछ सकते हैं, हम मना नहीं करेंगे, जैसे जनपद बहुत कोचिंग है मना करते हैं क्वेश्चन मत करिए, लेकिन हम ये चीज़ नहीं करते हैं, आप पढ़िए और खूब क्वेश्चन करिए, बहुत होगा नहीं बता पाएंगे ना, हर आदमी सक्सेस होता है नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं जीवन में वही सक्सेस है जो आस्क की जो फिलासफी वो समझ गया, पूछना नहीं पूछे संकोच में रह गए वो हमेशा, आज 4 लोगों के बीच संकोच किए कल 1000 लोगों के बीच में आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा, ये 4 वाला बेहतर है 1000 लोगों साथ, तब तो वही चीज आप ही पूछिए हम भी पूछेंगे, बेहतर यही होता पढ़ाई के लिए, इसलिए हम चाहते हैं कि जब भी मेरा क्लास रहे अगर हम पढ़ाते हैं तो ये हम चाहेंगे कि हर एक चीज आराम आराम से पूरी की पूरी इसकी सर्जरी हो जाए, एक एक शब्द, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में शब्दों का बहुत महत्व है, इवन कि कामा तक एक भी अगर गलत हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, जैसे अभी जाने के लिए आरक्षण का प्रावधान कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में, होना चाहिए क्या लोग आरक्षण आरक्षण इतनी बुद्धि चल रहे हैं आरक्षण को लेकर, कभी आपने सोचा कि आरक्षण कहाँ है, समानता क्या अत्याचार कहाँ आरक्षण है, 14-18 समता है कहीं लिखा है आरक्षण सब संविधान में, आप कहाँ है अनुसूचित जनजाति के लिए, कहा गया महिलाओं के लिए आरक्षण कहाँ है, आप लोग महिला हैं अधिकार तो जानना चाहिए, लेकिन संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण बात नहीं कहा है, आप जाग लिखा नहीं, आरक्षण जो 15(3) है ना वो कहा है कि महिलाओं के लिए विशेष उपबंध बनाने के लिए निवारित नहीं करेगा, स्पेशल प्रोविजन ना कि रिजर्वेशन की बात करता है, बेरेक है पास संविधान का वेराइट है किसी के पास नहीं है, कैसे आप तैयारी करेंगे,
कॉन्स्टिट्यूशन अगर पढ़ रहे हैं आपके पास किताब नहीं है कैसे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेरक होता है वही मूलभूत है, ये होना चाहिए। जो भी कमीशन दे रहे हैं पीसीएस, मैंने कहा पीसीएस जो पीसीएस दे रहे हैं वो कॉम्पिटिशन की किताब जो से लक्ष्मीकांत की है, परीक्षा वाली के, इन सब के अलावा आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बेरक रखनी चाहिए, आप उसको पढ़िए, ये सब वहाँ